चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा क्षेत्रफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो बताइए भाज्य क्या होगा। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाजक भाज्य या क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। चलिए हम लोग, मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए पर बता देता हूं। देखिए भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है डिविडेंड, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, जो भी संख्या बांटी जा रही है जिसे भाग किया जाना है उसे डिविडेंड कहा जाता है। भाजक होता है बच्चों डिवाइजर, और भाग करने के पश्चात यहां जो भागफल निकलता है, भागफल को कहते हैं क्वेश्चन। और यहां जो शेषफल होता है उसे कहते हैं बच्चों रिमाइंडर। समझ रहे बात, देखिए यहां मैं आपको एक क्वेश्चन पहले इसको समझाने से पहले एक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों, मान लीजिए संख्या 28, ये क्या है डिविडेंड है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं तो कितने में जाता है 728। समझ रहे बात, यहां हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हमारा हमें समझ में आता है अगर हम लोग 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल क्या प्राप्त होता है, क्वेश्चन क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। और अगर मैं भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 728 क्या प्राप्त होता है, हमें भाज्य प्राप्त होता है। ठीक है, डिविडेंड प्राप्त होता है। अगर मैं इसकी 28 के स्थान पर इसको मैं ले लेता हूं 30, तो इस केस में अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो किसमें जाता है 728, यहां 2 शेषफल बच जाता है। क्या बच जाता है, 2 शेषफल बच जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास भागफल 4 आता है और शेषफल 2 आता है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो बच्चों वो संख्या क्या होगी, 7 को 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 2 उसमें ऐड कर देंगे, 728 और 30। ठीक है, मैंने आपने बता देता हूं आप लोगों को 728 और 30, तो इस तरह से संख्या हमें प्राप्त होगी। अब हम लोग आएंगे किस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भाजक भागफल का 25 गुना है। अब हमें समझ में आता है एक भाजक जो है भागफल का 25 टाइम्स। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, सर शेषफल का 5 गुना है, जो शेषफल आता है उसका वो 5 टाइम्स, तो बताइए भागफल यदि 16 हो, भागफल 16 हो तो भाज्य क्या हो, भागफल यदि 16 हो तो भाज्य क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में बच्चों आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने एक आपको क्लू दे दिया कि भाई जो हमारा भागफल आ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो 16 है। अब क्वेश्चन 16 है और हमारा जो डिवाइजर है यानी जो भाजक है वो क्या होगा इसका 25 टाइम्स होगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करें, जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 400 का। समझ रहे हैं आप, 400। अब ये जो 400 है ये क्या है, शेषफल का 5 टाइम्स है। अगर शेषफल एक्स था तो उसको 5x 5 गुना क्या होगा 400 होगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर गए तो यहाँ डिवाइड डिवाइड करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। हमने क्या करना, 400 को 5 से डिवाइड करना, उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा 80 प्राप्त होगा। समझ रहे हो आप, ठीक है, 400 डिवाइड बाय 5 यानी कि 80, तो हमारा जो शेषफल आया वो 80 है। समझ गए, शेषफल क्या था 80 है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने जब भाज्य प्राप्त करना है, ठीक है, डिविडेंड प्राप्त करना है, कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग भाजक को और भागफल को मल्टीप्लाई करेंगे 400 × 16। ठीक है, 400 × 16 करेंगे, उसमें क्या ऐड मारेंगे 80 प्लस मारेंगे जो शेष बचा है, जैसे हम लोगों ने पहले वाले 728 और 2 वाला किया ना, इस वाले क्वेश्चन में किया था ये जब हमें जो भाज्य हम लोगों ने 30 लिया था, यहाँ पर 16 × 64 सौ आया बच्चों और उसमें 80 प्लस मार दे रहे हैं, जब 80 प्लस मार दे तो हमें क्या प्राप्त होता है 6480 प्राप्त होता है, तो ये क्या है, ये भाज्य। समझ रहे हैं आप, ये डिविडेंड है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाला जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आप ढंग से स्टडी करें,
नंबर सिस्टम में क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में कई हजार क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करके चले, जो घर से पढ़ के जाएंगे अगर आप फैमिलियर है क्वेश्चन से तो आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम में, ठीक है, अदरवाइज आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, समझ लो आप। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नए वीडियो में, ओके बाय, बेस्ट बाय।